हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेक्चर में रिलेशंस देखे थे और फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए दिया था। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में फर्स्ट वीडियो था, उसके नीचे नोट्स की फाइल थी जो आपको क्लास फोर कॉपी में करनी थी, और उसके नीचे एक्सरसाइज थी 1A, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर हों। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप उसमें देख सकते हैं साथ में एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। उसका क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू -1, 1, 1, -2, 4, 2, 4। अब मैंने बताया था डोमेन क्या होता है, जो आंसर निकलता है रिलेशन का उसका जो फर्स्ट नंबर होता है -1, 1, -2 और 2, वो डोमेन होता है। तो डोमेन क्या हो गया, -1, ये फिर 1, फिर -2, फिर 2, ये डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होता है, क्या बताया था, जो सेकेंड नंबर होता है हर आंसर का 1, 1, 4 एंड 4, वो रेंज होता है। सो रेंज वन एंड फोर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, लेट आर इज इक्वल टू a, a³, वेयर ए इज प्राइम नंबर लेस देन 5। फाइंड करना है हमें आर डोमेन और रेंज। इस रिलेशन में हमें यह निकालना है, ऐसे ग्रुप्स निकालने हैं जिसमें ए एक प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और वो 5 से कम हो। तो रिलेशन का सेट क्या होगा, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं a और a³, जैसे 1 इज नाइदर नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 एक प्राइम है और वो 5 से छोटा भी है, तो हो सकता है 2 का क्यूब क्या होता है 2 × 2, 4, एंड 4 × 2, 8। सो फर्स्ट आंसर है 2 एंड 8, ठीक है। दूसरा नंबर 3 भी 5 से छोटा है और प्राइम है, 3 का क्यूब क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। सो यहां पे a यानी 3, a क्यूब यानी 27, ये हो गया। अब 4 होता है क्या, नहीं, क्योंकि 4 डिविजिबल है 2 से, तो प्राइम नंबर नहीं है। तो बस इतना ही होगा, इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं है। अब इसका डोमेन, सो डोमेन अभी क्या बताया, जो आंसर के फर्स्ट नंबर होते हैं वो डोमेन होता है। सो डोमेन है 2, 3, रेंज, रेंज में क्या बताया, जो आंसर के सेकंड नंबर होते हैं वो रेंज होती है, मतलब 8, 27, ये रेंज हो गई। स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। आप उसमें देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, उसे रीड किए। लेट आर इज इक्वल टू a, b, एक रिलेशन है a, b, जहां पे
ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ए प्लस 3b इज इक्वल टू 12। अब हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिसमें ए प्लस 3b 12 है। सो हम देख सकते हैं वो नंबर्स 12 से तो छोटे ही होंगे, तो वो कौन से हो सकते हैं, हम इसमें लगा के देखने कौन कौन से हो सकते हैं। क्या 3 हो सकता है? 3 और 3, 3 प्लस, सो हमने 3 रखा इसमें, अगर तो 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12, एक आंसर तो हो गया 3,3। और क्या सेटिस्फाई कर रहा है? सिक्स रखा, सिक्स और टू रखते, ए सिक्स रखा, सिक्स रखा और बी को टू रखा, तो ये सिक्स और बी टू, 3, 2 जा 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो ये भी सही आ रहा है, तो एक आंसर 6/6 हो गया। इसको ऐसे करना है कि इसमें जो भी 12 के छोटे नंबर्स है वो हमें रखना है, और जिनसे भी आंसर 12 आ रहा है नंबर्स को एक एक करके देखना है, रख के जिनसे भी आंसर 12 आ रहा है वो हमारा रिलेशन का आंसर है। फिर एक और रखते हैं हम 9 एंड 1, ए रखा 9 और 3 रखा 1, 3 इंटू 1, सो 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ये भी सही आ रहा है, 9,1। आप देखेंगे बस इतने ही सेट्स हैं, तो ये आंसर हो गया रिलेशन का कि कौन कौन से नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को। अब डोमेन, तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में देखा फर्स्ट नंबर डोमेन, सो 3, 6 एंड 9। रेंज, सेकेंड नंबर से रेंज 3, 2 एंड 1। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। उसके लिए पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा था रिफ्लेक्सिव, ये वो फंक्शन होता है जिसमें उस सेट का खुद का नंबर सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होता है, उसके अलावा वो किसी और से रिलेटेड नहीं होता, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक वो होता है कि अगर कोई नंबर दूसरे से रिलेटेड है तो उसका उल्टा भी कर दो तो वो नंबर उससे रिलेटेड है। तीसरा ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर एक नंबर दूसरे से रिलेटेड है एंड दूसरा नंबर तीसरे से रिलेटेड है, तो पहला नंबर भी अगर तीसरे से रिलेटेड हुआ तो वो फंक्शन ट्रांजिटिव है। तो पहले सिमेट्रिक, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। अब इधर ऐसा है कि ए इज अ रियल नंबर, यहां पे दिए ऑल रियल नंबर्स, ए इज रियल नंबर, और कंडीशन क्या दी है कि ऐसे सेट निकालने हैं ए एंड बी के कि ए या तो इक्वल हो बी के या बी से छोटा हो, या तो इक्वल या तो छोटा। सो अगर ए को हम लेते हैं किसी भी एक नंबर को, जैसे 5 को हमने लिया, तो 5 खुद से इक्वल होगा या तो छोटा होगा, तो छोटा तो है नहीं तो इक्वल है, यहां पे कंडीशन दी या तो इक्वल होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, तो 5 हमने लिया तो वो इक्वल है खुद से, या कोई भी नंबर लिया हमने 20 वो खुद से तो इक्वल ही है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर खुद से रिलेटेड है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है।
तो यहां पे ए इज इक्वल टू ए, सो देयरफॉर ये जो कंडीशन है इज ट्रू, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम देखते हैं सेकेंड सिमेट्रिक। अब हमें ये देखना है कि अगर ए रिलेटेड हो बी से तो क्या बी भी रिलेटेड है ए से। तो हमने कोई भी दो नंबर लिए, जैसे हमने लिया 5 और 7, सो अगर 5 छोटा या इक्वल है 7 से, कंडीशन लगे, क्या अब हम इसको उल्टा करते हैं तो क्या 7 इक्वल या छोटा होगा 5 से? नहीं, 7 तो 5 से बड़ा है। सो देयरफॉर अगर हम नंबर्स को उल्टा कर रहे हैं तो ये रिलेशन नॉट ट्रू। सो देयरफॉर ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है कि अगर एक नंबर दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से, तो फर्स्ट भी तीसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने 3 नंबर्स लिए 2, 4, 6, ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। सो 2 छोटा या इक्वल है 4 से, ठीक है, और हम देख सकते हैं सेकेंड और थर्ड, 4 भी छोटा या इक्वल है थर्ड से। अब हमें देखना है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर में ये कंडीशन सही है कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर 2 वो भी छोटा है इक्वल है 6 से, तो यस ये कंडीशन पूरी हो रही है, देयरफॉर इसको लिखेंगे ऐसे कि ए इज बी एंड बी इज स्मॉल इक्वल देन सी। So therefore, A is small equal than C. So therefore, ये function, this relation is transitive. So therefore, हमने देखा कि relation reflexive है और transitive है, पर पिछली step में हमने देखा symmetric नहीं है। So ये वाला question ऐसे होगा। So students, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी इसी थ्योरी पे बेस्ड है, तो आपको ये वीडियो देखना है और आपके डाउट्स थे वो क्लियर करके आपको ये क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं।